बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। आज मैं आपके लिए फिर से कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर 3 की एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक जो पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसका भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट जो था पूरा कर दिया था। पहले हमने एस्पाल्ट पेव किया, फिर हमने भाई कंपैक्शन किया, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट भाई पूरा हो चुका है। बस हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स पुट किए और हमारी पार्किंग कम्प्लीट हो चुकी थी, जो कि आपने पिछली वीडियो में देख ली होगी। तो आज फिलहाल भाई और ज़्यादा पैसे करने के लिए हमें चाहिए होगा भाई एक और कॉन्ट्रैक्ट, जो कि भाई काम करके भाई पैसे भाई हमें काम करके मिलते हैं। तो फिलहाल चलते हैं और आज एक कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते भाई अच्छा सा। तो मुझे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद आया था भाई, ये जो हमारा न्यू स्टीन में आया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भाई ज़बरदस्त है, स्विमिंग पूल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई। और आप देख सकते हो अर्निंग कितनी ज़्यादा भाई, एक्सकवेटिंग की ही आप अर्निंग देख सकते हो 6,30,000 सी आ रहा है भाई। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, और आप देख ही सकते हो 14,00,000 की भाई इसमें हमारी लगभग हो जा रहेगी भाई अर्निंग। तो मज़ा आएगा भाई करने में, और भाई एक्सकवेटिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिलहाल चलते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल भाई आज मैं आपको दिखाऊँगा, आप भी भाई पूरे बोर हो चुके होंगे एक्सकवेटिंग देख के और भाई पोरिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट देख देख के। तो आज फिलहाल हम आपने जो सारे व्हीकल्स वहाँ पर चाहिए हैं उन्हें हम वहाँ पर डिलीवर करेंगे, और मैं आपको पूरी वीडियो भाई फास्ट में दिखाऊंगा, स्पीड उसकी फास्ट कर दूँगा उसमें आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को, और भाई वहाँ पर मैं अपना जो है पॉइंट भी लगा लेता हूँ कि भाई वहाँ पर जाना आपको। तो फिलहाल यहाँ पर अपने आप ही लग गया भाई वे पॉइंट, अपने आप लग गया है। तो फिलहाल अपना जो ट्रक है उसके पीछे जोड़ते भाई अपना बड़ा वाला फ्लैट बेड, और उसके अंदर भाई लोड करते हैं अपने एक्सकेवेटर को। फिलहाल तो पहले तो एक्सकेवेटर ही जाएगा, कंपैक्टर की शायद कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर, और होगी तो भाई बाद में ले जाएंगे कंपैक्टर। अभी तो फिलहाल एक्सकेवेटर लेकर जाएंगे और भाई अपना जो है ये डोजर लेकर जाएंगे, और भाई कुछ ट्रक्स हैं वो हमें ले जाने होंगे। तो फिलहाल इसमें लोड करते हैं अपने एक्सकेवेटर को और लेकर चलते हैं फिलहाल भाई से न्यू स्टीन में। तो फिलहाल लगा देते हैं अपने ट्रक को यहाँ पर, और इसका भाई पीछे के रैंप भी निकाल दिए है भाई मैंने, और निकल जा भाई, निकल चुके हैं भाई हमारे रैंप। और फिलहाल अपने एक्सकेवेटर में चढ़ते हैं, और भाई चढ़ाते हैं अपने एक्सकेवेटर को भी इसमें। फिलहाल तो ये कर दिया भाई आगे, और अभी लोड हो जाएगा भाई। तो आप देखिए भाई इसका स्पीड फास्ट में देखिए आप इसकी भाई, क्योंकि अभी तो मुझे स्पीड फास्ट करनी होगी, और भाई बाद में तो मैं बाद में बोल दूँगा भाई, और अभी बोल रहा हूँ भाई अच्छे खासे व्यू आ रहे भाई। ऐसे नहीं है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट बहुत कर रहे हो भाई आप, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए भाई। तो फिलहाल इसको सिक्योर भी कर दिया हमने, और फिलहाल चलते हैं। तो सपोर्ट करने की बात पूछा भाई, तो जिन भाइयों ने भाई सब्सक्राइब कर रखा है उन भाइयों को थैंक यू, और जिन्होंने किया भाई वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो फिलहाल चलते हैं अपने वे पॉइंट पर जहाँ पर हमने सेट कर रखा अपने डेस्टिनेशन पर, मिलते हैं आपको वहीं पर।
आप लोग देख सकते हो कि भाई हम अपने जो एक्सकेवेटर है उसे लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल अपने एक्सकेवेटर को उतार देते हैं यहाँ पर। और हमें अपना भाई जो है डोजर भी उठा कर लाना है और यहाँ पर इन्होंने दिखा भी दिया कि भाई उस हिस्से को डिग कर दो, लेकिन भाई ऐसे नहीं, पहले आप सभी को सब्सक्राइब करना होगा तब भाई अगली वीडियो आएगी, फिर अगली वीडियो आप लोग देखना। और भाई फिलहाल रिलीज़ करते हैं अपने एक्सकेवेटर को और उतारते हैं रैंप से नीचे। अभी आप लोग देख सकते हो कि हम अपने होम बेस पर पहुंच चुके हैं अपने डोजर को लेने के लिए। और यहाँ से तो भाई बस अभी हमें डोजर ही चाहिए और सारी चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और भाई कोई ट्रक वर्क है वो तो अपने आप चला ही जाएगा, उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने आप नहीं जाएगा वो, मतलब अपने टायरों पर चला जाएगा, उसे ट्रक इस ट्रक के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाई आपको शुरू में कोई भाई आवाज़ आई हो स्टार्टिंग में तो भाई उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में इतना मगन हो रखा था भाई कि मुझे याद ही ना रहा कि हमारा टीवी चल रहा है। अभी मुझे पक्की तरह से पता भी नहीं है कि आपको कुछ आवाज़ आई भी थी या नहीं, अब तो एडिटिंग में पता चलेगा भाई कि आवाज़ आई थी या नहीं। तो फिलहाल अपने डोजर को भी लेकर चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर और फिर हमारा रह जाएगा कॉन्क्रीट मिक्सर और हमारा बड़ा वाला ट्रक। ये दो व्हीकल हमारे पहुंचने के बाद हम अगली वीडियो में अपना काम शुरू कर देंगे। तब तक भाइयों आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। Thank you.
फिलहाल मैं अपने डोजर को लेकर भी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुका हूं, और भाई अपने ट्रक को लगा देते हैं फिलहाल यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल लाते हैं भाई अपने बड़े वाले ट्रक को, क्योंकि भाई इसका ही काम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक्सकेवेटर तो हमने वहाँ पर ला दिया, और वहाँ से जो सोयल डिग होगी वो हमें वहाँ से निकालने होगी, क्योंकि भाई स्विमिंग पूल का काम है वहाँ पर, वो उस सोयल को रख कर करेंगे क्या, तो उसे हम सेल कर देंगे विद हमारा बिग ट्रक। तो फिलहाल इसे भी लेकर चलते हैं भाई अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर। अभी फ़िलहाल हम अपने बड़े वाले ट्रक को लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अभी फ़िलहाल हमारा जो एक व्हीकल रह गया वो हमारा कॉन्क्रीट मिक्सर, उसे भी भाई जल्दी से यहाँ से लाते हैं। और तो कोई व्हीकल बचा नहीं है भाई, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इन्हीं व्हीकल्स की हमें ज़रूरत है, और कोई छोटा मोटा हमें फ्लैट बेड या और कुछ डंपर वगैरह चाहिए होगा तो वो हम भाई वो मैं अपने आप ला दूंगा भाई, उसकी आप दिक्कत मत लेना। तो फिलहाल अपने कॉन्क्रीट मिक्सर को लेकर चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। फिलहाल मैं अपने कॉन्क्रीट मिक्सर को अभी यहाँ पर लेकर पहुँच चुका हूँ, और आपने देखा ही होगा भाई कि कॉन्क्रीट मिक्सर तो भाई कितनी ज़्यादा स्पीड में लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने चारों पांचों व्हीकल यहाँ पर लाकर खड़े कर दिए हैं, और इनकी जब जरूरत पड़ेगी इन्हें हम निकाल देंगे। तो आज वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही भाई, लाइक सब्सक्राइब के लिए मैंने पहले बोल ही दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने कर भी दिया होगा। आज वाली वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जल्दी आना भाई अगली वीडियो में, मैं भी जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा वीडियो। आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।